हे ऑल माई गॉर्जेस वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे से एंड एकदम मज़े से होंगे सो so गाइज आज मैं आपके लिए एक क्लब्ड हॉल वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आज के इस हॉल वीडियो में आपको कुर्ती कुर्ता सेट्स ट्यूनिक्स और साथ में कुछ साड़ी के ऑप्शंस मैंने रखे हैं जैसे कि फेस्टिव सीजन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर तो इसमें से आप कुछ भी पिक कर सकते हो साड़ीज़ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं एंड ये सभी प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मैंने अमेजोन से ले लिए हैं क्योंकि अमेजॉन पर इस टाइम चल रही है अल्टीमेट ब्रांड सेल जहाँ पे आपको मिनिमम फिफ्टी ऑफ प्लस अप टू यू नो फाइव परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाता है और अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आपको टेन परसेंट तक का जो है कैशबैक ऑफर दिखने को मिल जाएगा सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिफ्थ ऑफ जुलाई से नाइन्थ ऑफ जुलाई तक रहेगी तो आप अच्छी अच्छी डील्स वहां से देख सकते हो सारे ही प्रोडक्ट्स आपको काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस हॉल वीडियो में इनके डायरेक्ट एमेजन लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड येस वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा एंड ऐसे ही आप फैशन हॉल वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉग बनाइएगा अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का अच्छा ब्यूटीफुल सा हॉल पिटा रहा है सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्यूटीफुल सा कुर्ता और पैंट का सेट जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ये जो है आपको हंड्रेड कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा काफ़ी स्टाइलिश लगता है सबसे पहले तो मैंने इसको लिया था इसके कलर की वजह से एंड सेकेंडली इसका पैटर्न आप देख सकते हो ट्राइन में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है कुछ ऐसा राउंड नेक है और ये वाला पूरा आपको फैब्रिक प्रिंट देखने को मिल जाएगा इसमें मरून एंड यू नो व्हाइट कलर का साथ में ये जो है आपको ये पूरा इस तरीके से

साइड में दोनों तरफ आपको कट मिलेंगे और इधर आपको ये चारों जो चारों साइड्स पे ये वाला टैसल वर्क साथ में वुडन बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी ओवरऑल इसका जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा खासा है इसकी लुक जो है कुछ ऐसे हो जाती है एंड वेस्ट पर जो है आपको यहाँ पे दे रखी है इन्होंने ये बेल्ट सो so, आप इसको टाई करके एक प्रॉपर फिट दे सकते हो वैसे ये साइज़ जो है एकदम परफेक्ट आए हैं सभी आपका जो भी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हो पीछे से जो है आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा कलर बहुत ज़्यादा सोबर है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर एनी ओकेजन आप इसको कहीं पे भी जो है सेमी लाइट ओकेजन में आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो स्पेशली समर्स में ना ये इस तरीके की कुर्ता uh, सेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे और डिफरेंट लगते हैं इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है वो हंड्रेड परसेंट कॉटन फेब्रिक का रहेगा आगे से ये बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा एंड इसमें आपको ये पूरा लाइन पैटर्न दिखने को मिल जाता है ये देखिए फ्लेयर इसका काफ़ी कंफर्टेबल है और ये बिल्कुल भी टेपर्ड नहीं है, ना टाइट है आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो नीचे से आपको देती है so, yes, सो येड करूंगी बहुत ब्यूटीफुल है कुछ इस तरीके की आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है एमेजॉन पे एंड काफी ट्रेंडिंग है ये आपको कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा थोड़ा एक यू you नो know, थिक वाला कॉटन फैब्रिक है वो है एंड कुर्ते हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको यू नो लेंथ कुर्ता

को एकदम परफेक्ट फिट होगा उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा ये प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है और नीचे भी जो है आपको ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल जाएगा लुक एट दिस बहुत ज्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल लग रहा है और इसके अगर हम फ्लेयर की बात करें तो इसका फ्लेयर भी जो है वो अच्छा खासा है ओवरऑल इसकी फ्रंट लुक कुछ ऐसे हो जाएगी पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है एंड दिस इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू यू नो लाइट शेड जरूर है बट फैब्रिक इसका थिक है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो विदाउट एनी स्लिप एंड बैक साइड पे भी आपको ये पूरा प्लेन इसी तरीके से ऑफ वाइट कलर का मिलेगा ना इसके साथ जो इन्होंने हमको पैंट दिया है वो सेम ऑफ वाइट कलर का रहेगा फैब्रिक भी इसका सेम है एंड इसका जो फिट है वो कुछ ऐसा है आगे से ये आपको सेमी इलास्टिकेटेड मिलेगा आई मीन आगे से बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा वन साइड इसमें आपको राइट साइड में पॉकेट जाती है और अगर हम इसका फिट देखें तो कुछ इस तरीके से रेगुलर फिट का पैंट है बहुत ही कंफर्टेबल है है इजी ब्रीजी और पैंट इसकी काफ़ी अच्छी है तो ये आप अपनी और के साथ भी क्लब कर सकते हो सो यस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली मुझे वर्थ लगा अगर आपको कुछ इस तरीके का लाइट शेड वेयर करना पसंद आता है तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए आप चलते हैं अपने ट्यूनिक्स की तरफ तो सबसे पहला ट्यूनिक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये स, मतलब ऑलमोस्ट सारे ट्यूनिक्स जो है मैं एम के ही लेती हूँ अमेजोन से जो कि हंड्रेड कॉटन फैब्रिक में मिलते हैं और आपको अंडर थ्री हंड्रेड रुपीज के बहुत अच्छे अच्छे ट्यूनेक्स देखने को मिल जाएंगे तो ये हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक का है इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन भी काफी सारे मिलेंगे बट ये वाला जो ब्लू शेड है वो बहुत न्यूट्रल होता है डार्क मीडियम एंड फेरर्स कॉम्प्लेक्शन चाहे जैसा भी हो ना सबके ऊपर काफ़ी प्यारा लगेगा 100% परसेंट कॉटन का है यहाँ पे आपको मैंडेरियन कॉलर मिलेगा फ्रंट में इधर वुडन बटन की डिटेलिंग है जो कि फंक्शनल है आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो और कुछ इस तरीके का आपको पूरा फैब्रिक प्रिंट देखने को मिल जाता है पूरा बेच कलर का है सो दिस लुक्स रियली वेरी प्रिटी कुछ ऐसा इसका लुक आ जाएगा फीस इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल जाएंगी जो कि फोल्डेबल पैटर्न पे है ये स्ट्रैप दिया हुआ है वुडन बटन की डिटेलिंग के साथ ये इसमें अटैच्ड है तो ये कंफर्टेबल रहता है एंड इसकी लेंथ भी जो है वो अच्छी खासी है मैं आपको दिखा देती हूँ ये पूरा फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा मेरी हाइट 5'4 है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितना आएगा बैक साइड पे भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा दिस इज रियली वेरी सॉफ्ट इसको मैं वॉश भी कर चुकी हूँ आप हैंड वॉश करो मशीन वॉश करो कोई कलर फेड नहीं होता क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार डार्क शेड है कॉटन है तो इसका कलर फेड होगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो एज इट इज इंटैक्ट रहने वाला है इसका शेड ट्राउजर्स के साथ डेनिम के साथ दोनों के साथ परफेक्टली आएगा, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए भी जो है, पहले वाले का ही भाई है कुछ ऐसा आपको आपको मिलेगी वुडन बटन डिटेलिंग जो कि फंक्शनल है और कुछ इस तरीके का ट्रेडिशनल प्रिंट आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है पूरा प्रिंट जो है ये फेब्रिक प्रिंट है इसको भी आप घर पे मशीन वॉश इजीली कर सकते हो इंटैक्ट रहेगा इसका शेड इसकी लुक कुछ ऐसे हो जाती है स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल जाएंगी एंड स्लीव के यहाँ पे आपको ये फोल्डेबल पैटर्न मिल जाता है लेंथ इसकी और फर्स्ट वाले की एकदम सेम रहेगी ये देखिए कुछ ऐसा इसका लुक आ जाएगा फ्रंट पे एंड बैक साइड पे ये कुछ ऐसा है बहुत ज्यादा प्यारा लगता है गाइज ये शेड भी जो है ना मस्टर्ड वाला बहुत न्यूट्रल है इसको भी आप अपनी डेनिम और ट्राउजर्स के साथ वेयर करके देखो चाहे कॉलेज हो या फिर ऑफिस हर जगह के लिए एकदम परफेक्ट एंड कम्फर्टेबल नेक्स्ट यून है ये काफी प्यारा है ये आपको यू नो कॉटन लेन

कुर्ती में स्ट्रेट लाइन जाएगी पूरा काथा वर्क है ये एंड इसकी लुक कुछ ऐसी है स्लीव्स इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल जाएंगी सेम इसी वर्क में एंड ये जो है शॉर्टलैंक कुर्ता है विच इज ए लाइन आपको ये वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट आएगा बीच में इधर आपको ये प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है पूरा और आप देख सकते हो इसमें कुछ इतना हल्का सा फ्लेयर है नीचे पूरा ऐसे है एंड येस दिस इज़ वाइट कलर नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट आप इसको विदाउट एनी स्लिप यू नो अगर कोई आप डार्क शेड भी पहन रहे हो इनर एज एन इनर तो भी आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है तो ये इसका फ्रंट है एंड बैक साइड पे भी आपको ये सेम ऐसे ही मिलेगा वाइट इज समथिंग विच लुक्स रियली वेरी रॉयल इसको आप डेनिम ट्राउजर्स के साथ वेयर करो और ये अमेजिंग लगता है ट्रायन को देखना दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई बेस्ट ट्यूनिक

फ्लोरल प्रिंट प्रिंट दिखने को मिल जाता है, जो है। जो कि फैब्रिक आप इसको घर पे मशीन वॉश भी आराम से कर सकते हो तो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा कलर इज वेरी डीसेंट एंड नाइस फोर स्लीव आपको इसमें दिखने कुर्ता आपको वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट आएगा उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट पे आपको ये चौड़ा वाला प्लेट दिया हुआ इसके बीच में, इसके की अगर हम बात करें तो कुछ इतना फ्लेयर है लेंथ इसकी मुझे जो है नी लेंथ आई है मेरी हाइट 5'4 है सो so, आप ट्राइव को देख लेना आपकी हाइट जो भी होगी आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे साइड पे जो है आपको वन साइड पॉकेट दिए हुए हैं राइट साइड पे और इसकी डेप्थ बहुत अच्छी है इवन की स्मार्टफोन भी इसमें ईजीली आ जाता है बैक साइड पर आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल जाएगा सो so येस yes, कुछ इस तरीके के शेड्स भी जो है ना स्पेशली अगर आप ये you ऑफिस know, में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा एलिगेंट एंड लगते हैं एज अ डेली वेयर भी आप इसको यूज कर सकते हो फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है लाइट शेड है बट देन इसमें भी जो है आपको किसी भी तरीके की स्लिप की जरूरत नहीं है ये ऐसे ही कंफर्टेबली वेयर हो जाता है तो ये yes, आप देख सकते हो काफी प्यारा लग रहा है आपको ये पसंद आता है तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं so तो हो गए हमारे कुर्ता सेट्स और कुर्तीस अब मैं आपके साथ साड़ीज शेयर करूंगी जो कि मैंने ली हैं कंसिडरिंग की यू नो फेस्टिव सीजन आ रहा है और मैं ऑन एंड ऑफ आप लोगों के साथ अफोर्डेबल प्राइस पे साड़ी शेयर करती ही रहूंगी तो इस सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये सी मस्टर्ड कलर की साड़ी विच इज आई थिंक हल्दी का ओकेजन हो या फिर यू you नो know, कोई भी आपके घर में पूजा वगैरह हो रही हो तो उसमें तो ये मस्ट होता है बनारसी सिल्क फैब्रिक में हमको ये मिल Hey, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ब्लाउज पीस जो कि आपको कंट्रास्ट में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल से यू नो फूशिया पिंक कलर का कुछ ऐसा आपको इसमें पूरा गोल्डन कलर का जो आप देख रहे हो जरी वीविंग वर्क है साथ में ऑरेंज कलर का पूरा आपको वर्क मिल जाएगा दिस इज ऑल वीविंग वर्क एंड ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये साड़ी बहुत आई थिंक सिक्स या सेवन समथिंग कुछ की किया टाइम ये डिस्काउंट पे तो आप अपने लिए या फिर किसी को भी एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन देख सकते हो तो ये पूरा जो है इसका एटी सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस दिया हुआ है लुक एट दिस एंड इसमें जो है यहाँ पे आपकी प्लीट स्टार्ट हो जाती है तो ये ड्रेपिंग एरिया है आपका जो आपको प्लेन मिल जाएगा बनारसी सिल्क है इसमें हल्की सी आपको शाइन भी दिखने को मिल रही है एंड क्वालिटी काफी अच्छी है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसी आपकी साड़ी स्टार्ट हो जाएगी ऊपर से लेके नीचे तक आपको कुछ इस तरीके का वीविंग वर्क मिल जाएगा इसमें पूरा ये गोल्डन जो आप देख रहे हो ये जरी वर्क है साथ में पिंक एंड ऑरेंज कलर का पूरा इसमें थ्रेड वीविंग का वर्क मिलेगा तो ये हो जाती है साड़ी की कंप्लीट लुक इसका बैक साइड भी आप देख सकते हो जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रिंट नहीं है ये देखिए ये बैक साइड है इसकी और ये है इसकी फ्रंट साइड तो ये पूरी साड़ी एज इट इज यू ही जाने वाली है कॉन्ट्रास्ट में ये पिंक कलर के ब्लाउज के साथ गाइस बहुत प्यारी लग रही है और आप देख सकते हो कि मतलब इसको लगाते ही एक प्यारा सा ग्लो भी आ रहा है फेस पर तो कुछ इस तरीके के शेड्स ना मतलब बहुत अच्छे लगते हैं हल्दी वगैरह में वेयर करने के लिए पूरी लास्ट तक ये साड़ी आपको एज इट इज मिलेगी और अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉर्डर कुछ इस तरीके का मिलेगा जो की सिमिलर है पूरा काम वैसे ही हो रखा है जस्ट इसमें हल्का सा जो है यहाँ पे आपको छोटे छोटे फ्लास फ्लासें है रखे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े फ्लास दिए देखिए कुछ ऐसे तो ये साड़ी ऐसे है साड़ी जो है पूरी फुल फाइव पॉइंट एंड ब्लाउज 80 सेंटीमीटर्स का है एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली मुझे ये काफी अच्छी लगी तो आप इसको भी ट्राई करके देख मैं साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट साड़ी जो की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है कुछ इस तरीके से हमको ये भागलपुरी सिल्क में मिल जाती है एंड भागलपुरी सिल्क भी ना काफी सारी वराइटी में आता है सो दिस इज सच अ प्रीमियम क्वालिटी एंड इसका प्राइस जो है मैंने ये आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक फाइव फिफ्टी रुपीज की ली है एंड दिस इज सच स्टनिंग पीस इसमें आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ ऐसा प्रिंट है सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज पीस आप लोगों को दिखा देती हूँ एक सेकेंड ब्लाउज पीस जो है आपको एकदम प्लेन ब्लैक कलर का मिल जाएगा जो कि रनिंग में है एट्टी सेंटीमीटर्स का ये देखिए कुछ ऐसा इसका ब्लाउज पीस रहेगा जो कि पूरा ब्लैक कलर का है एंड इधर से आपकी साड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ऊपर आपको ये वाला बॉर्डर मिल जाता है एंड बीच में ये पूरा प्रिंट ऐसे ही रहेगा पूरा का पूरा ये यू नो फैब्रिक प्रिंट है तो इंटैक्ट है इसको जो है आप घर पे इजी हैंड वॉश भी कर सकते हो यहाँ पे मैंने आपको ट्रायल में दिखा रखा है इसको ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप के साथ वेयर करके एनीवेज इसमें प्लेन ब्लैक कलर का ही ब्लाउज पीस दिया हुआ है तो आप उसको स्टिच करवा सकते हो ऑल ओवर पूरी साड़ी में आपको यही वाला प्रिंट दिखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा रिच एंड रॉयल लगती है ये वेयर करने के बाद एंड ये वाली साड़ीज जो है ना आप किसी भी लाइट ओकेजन में भी वेयर करोगे तो उसमें भी परफेक्ट लगती है या फिर यू you नो know, कोई अच्छा खासा आपका को, कोई कॉकटेल पार्टी हो उसमें चांस आपको वेयर करना हो तो उसमें भी प्रिटी लगेगी इसका बॉर्डर जो है आपको कुछ इस तरीके के बड़े बड़े प्रिंट्स का मिल जाएगा ये देखिए बहुत ही ज्यादा स्टैंडिंग लग रही है दिखने में ये आपको बॉर्डर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पीको करके दिया हुआ है कोई थ्रेड नहीं, नहीं कर रहा तो दिस इज अ परफेक्ट साड़ी इसको आप जरूर ट्राई करके देखना इसमें आई थिंक ये सिंगल कलर ऑप्शन ही अवेलेबल है आपको ये पसंद आती है तो आप इसको भी जरूर ट्राई करिए करेंगे nice आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सी साड़ी जो कि आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक में मिलेगी इस इसमें भी आपको हल्की सी एक शाइन देखने को मिल जाएगी और इसमें अगर और कलर ऑप्शंस होंगे तो मैं मेंशन कर दूंगी आई थिंक इसमें कलर ऑप्शन है और भी सारे तो आप ट्राई कर सकते हो तो मैंने इसमें ले लिया है ये क्रीम एंड यू नो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन ब्लाउज की ब्लाउज पीस की अगर हम बात करें तो रनिंग में इसमें आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा कुछ इस तरीके से लाइट मेहंदी कलर का और आप देख सकते हो इसकी जो शाइन है वो कितनी ज्यादा रिच लग रही है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है पूरा 80 सेंटीमीटर का है एंड इसमें आपको इधर साइड में जो है ये पूरा कुछ इस तरीके का जो है गोल्डन कलर का पूरा जरी वर्क दे रखा है तो आप इसको बेल्ट में या फिर स्लीवस में ले सकते हो तो ये है इसका ब्लाउज पीस साड़ी जो है पूरी 80 सेंटीमीटर की है यहाँ पे ये इसका ड्रेपिंग एरिया हो जाता है जो कि यू नो क्रीम शेड का रहेगा पूरा प्लेन एंड देन उसके बाद साड़ी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये देखिए ऊपर से आपको ये वाला बॉर्डर मिल जाएगा ये पूरा कॉपर कलर का रोज गोल्ड कलर का इनफैक्ट ये पूरा बॉर्डर दिया हुआ है जरी वीविंग में और बीच में आपको कुछ इस तरीके का ये वाला वर्क देखने को मिलेगा जो कि थ्रेड एंड जरी वीविंग ही है ये वाला पूरा वर्क आपको इंटायर साड़ी में मिलेगा बाकी नीचे से भी जो है आपको ये सेम इसी बॉर्डर में मिल जाएगी तो ऊपर और नीचे आपको ये वाला जरी बॉर्डर मिल जाएगा एंड बीच में हमको पूरा ये वाला वर्क मिल जाता है ये देखिए पूरा थ्रेड वीविंग और जरी वीविंग वर्क है एंड ये भी बहुत प्रटी लगती है पूरी साड़ी इसी तरीके से जाएगी ये देखिए कुछ ऐसे एंड अगर हम इसकी आंचल की बात करें तो इसमें आपको हैवी आंचल मिल जाता है जिसमें पूरा रोज गोल्ड कलर का जो है आपको हैवी वीविंग वर्क मिल जाएगा ये देखो तो ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल लगता है एंड कलर जो है ये काफी ज्यादा रिच है आप लोग कुछ डे ओकेजन के हिसाब से ढूंढ रहे हो ना तो ये बहुत ही पीस है, है और आपके लिए यूजफुल रहा होगा इसी तरीके के एमेजो के प्यारे प्यारे हॉल वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो चैनल के साथ बने रहिएगा और जब तक मैं लेकर के आती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखेगा टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ट सिया